ये जो 17 पंचायतें मेरे विधानसभा की आई हैं, जेडीए के अधीन आती है, इन 17 पंचायतों के 44 रोडों के प्रस्ताव जेडीए के अंदर पिछले कितनी सालों से धूल चख रहे हैं। 5 साल का ये कार्यकाल है, आखिरी बजट सत्र है, एक सूत सड़क जेडीए के यहां से ओसियां के अंदर आवंटित नहीं हुई, एक सूत। कागजों में भी लीपापोती करने का काम नहीं किया गया। बहुत ज्यादा पीछे पड़ने पर 2020 के अंदर जेडीसी थे इंद्रजीत यादव, उनको परस्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि मार्च तक का तो हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि हम इन सड़कों को ले लें, आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर कंसोलिडेटेड फंड में लेकर इसे हम करवा देंगे। मेरा कहना था कि भाई इतने साल तक आपने नहीं दी है, बीच के इस ईयर में दे दीजिए, इलेक्शन ईयर के अंदर तो एक तलवार लटक जाएगी, आप टेंडर कर पाएंगे, हो पाएगा, नहीं होगा, हमारे को इतनी सड़कें चाहिए, आप कम से कम बीच के 21-22 के वर्ष में दे दीजिए। और उन्होंने इन 44 सड़कों के एस्टिमेट की राशि को कंसोलिडेटेड फंड के अंदर लेकर पारित कर दिया, बट मीनवाइल ही वाज ट्रांसफर्ड आउट, पोस्टेड आउट टू बी कलेक्टर इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। जेडीसी बदलते रहे, नए जेडीसी आते रहे, कह रहे हैं करवा रहे हैं, अब करवा रहे हैं, प्रस्ताव चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में नए जेडीसी आए हुए हैं मिस्टर नवीन, उन्होंने कहा मैं जल्दी इसकी एएसएफएस निकलवाकर और बहुत जल्दी 1 महीने का आप समय मुझे दीजिए, मैं इसको करवा दूंगा। हम निरंतर इसकी रिव्यू मीटिंग्स लेते रहे, 2 महीने से 1 महीने, 1 महीने से 15 दिन, 15 महीने से 1 हफ्ता, आज तक तो वो 1 हफ्ता आया नहीं, 6 महीने हमारे चुनाव के बचे हैं। और नॉर्थ और वेस्ट जोन के इन एक्शन से हम निरंतर करते रहे। जेडीए का चेयरमैन वहां पर है नहीं, जेडीसी है, इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट ही हैज नो कमिटमेंट फॉर लोकल पीपल ऑफ दीज 17 पंचायत्स एंड नो वैल्यू फॉर हिज वर्ड्स ईदर। ही विल बी पोस्टेड आउट, उनकी तो ट्रांसफर हो जाएगी, कोई सैलरी रुक नहीं रही है, फिर जेडीसी बदल रहे हैं और हम यहां पर बैठे हैं कि हमारी रोडें स्वीकृत नहीं हुई।